तो दोस्तों ये है हमारा क्रीम ट्रिफल, बहुत ही जबरदस्त बना है, दिखने में भी जबरदस्त है। मैं तो इसको रेफ्रिजरेट कर रहा हूँ और उसके बाद का मजा लेने जा रहा हूँ। और आप देखिए ये वीडियो कितना आसान है ये बनाना। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीम चॉकलेट ट्रिफल, जो सिर्फ तीन ही इंग्रेडिएंट से बनेगा। ये हमने लिया हैवी व्हिप क्रीम, साथ में हमने लिए हैं ओरियो के बिस्किट और लिए हमने डार्क चॉकलेट। तो आइए देखते हैं कितना आसान है ये बनाना। ओरियो के बिस्किट ज़िपलॉक में डाल दिए हैं मैंने और इसको ऐसे बंद कर लेता हूँ। अब किसी भी रोलिंग पिन की मदद से इसको ऐसे कूट लीजिए और ये हम अपनी डार्क चॉकलेट को काट लेते हैं। ऐसे ही हम सारी डार्क चॉकलेट को काट, तो ये जो है हमारे दो इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं। चॉकलेट को हमने काट लिया है और ओरियो कुकीज को हमने पीस लिया है। तो आइए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब हमारा पानी गर्म हो गया है, इसमें हम अपने बाउल में ये अपनी चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। आपको कोई हैवी बाउल वाला डब्बा लेना है ताकि चॉकलेट आसानी से मेल्ट हो जाए और बाउल भी क्रैक ना हो। ये हम हैवी व्हिप क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, हमने ये जिप लॉक के बैग को एक गिलास के अंदर डाल दिया है। उससे जब हम इसको यूज करेंगे तो बहुत ही आसान होगा यूज करना, हाथ भी गंदे नहीं होंगे और ये बहुत आसानी से यूज हो जाएगी। तो ये हमारी एक सेट ऑफ प्रिपरेशन हो गई रेडी। तो चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है, देखिए बिल्कुल, इसको हम हटा लेते हैं। और अब इस मेल्टेड चॉकलेट में हम अपनी आधी क्रीम डाल देते हैं, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा चॉकलेट पार्ट तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर को भी हम अपने जिप लॉक बैग में डाल देते हैं जो कि हमने एक गिलास के अंदर लगा रखा है। इस तरीके से ये बहुत ही आसान होता है इसको यूज करना। अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो बहुत ही बढ़िया है, पेस्ट्री पाइपिंग बैग। तो ये चला गया, जिप लॉक बैग को बंद कर देते हैं। तो अब ये हमारा फाइनल स्टेप आ गया है। सबसे पहले हमारे इस बाउल में गई ओरियो कुकीज। अब हम अपने ये जिप लॉक के बैग को हल्का सा यहाँ से कट कर लेते हैं। ये बन गया पाइपिंग बैग और ये जा रही है हमारी व्हिप्ड क्रीम। अब हम अपने चॉकलेट के बैग को भी काट लेते हैं। तो ये गई चॉकलेट, फिर से वापस गई ओरियो कुकीज और ये गई एक बारी फिर से फुल क्रीम और अब गई इसके ऊपर से फिर से एक बारी चॉक। और अब ये लास्ट का जो इंग्रेडिएंट है ये है चॉकलेट, इसी का तो फ्लेवर है। और थोड़ी सी जाएगी ओरियो की कुकीज, ये देखिए। तो दोस्तों ये तैयार है हमारा क्रीम चॉकलेट, बहुत ही जबरदस्त लगता है बच्चों को। इसको आप रेफ्रिजरेट करिए 15-20 मिनट के लिए और बच्चों को दीजिए, बहुत पसंद आएगा उनको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।